हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी मैं स्विंग कॉस्ट्यूम में आ चुकी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक्चुअली बहुत नींद आ रही है, नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। तो अगर मैं घर में भी रहूँगी तो सोऊँगी, कोई फ़ायदा तो है नहीं। मतलब वैसे सोऊँगी नहीं शायद, बट थोड़ी झपकियाँ आ रही है। बट आई वाज लाइक चलो, अभी बारिश की वजह से 2-3 दिन से कैसे भी स्विमिंग कैंसिल हो रहा था, अब तो जाना ही चाहिए करके ड्रेस पहन लिया। और वो जाने से पहले मैंने फ़ोन करके पता किया वहाँ सर है कि नहीं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, आई लव दिस काइंड ऑफ मौसम। आई थिंक सब जगह पे ऐसा ही मौसम हो रहा है, बारिश बारिश वाला। एंड मतलब बारिश इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मौसम बारिश से पहले वाला काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले दूसरी ड्रेस पहनी थी, वापस आते टाइम पहनूंगी कैसे भी, वो बैग में रख लूँगी मैं अभी। एंड कान में ये वाले इयररिंग्स पहने मैंने अभी, कब के हैं ये? मेरे कॉलेज टाइम के हैं। एंड जब मैं हैदराबाद गई थी तो वहाँ पे मेरे को दिख गए, मैंने पहना और मैं पहने पहने ऐसी, मतलब आगे मेरे बैग में ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी ना कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर देती है कि नहीं। चाहे वो एयर रिंग हो या एक मोती हो या कुछ भी हो, फ्लैश बैक में चले जाते हैं। एंड ऐसे गोल वाले जो रिंग्स होते हैं ना, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक तो पिन चुभने का टेंशन नहीं रहता है, कैसे भी सो जाओ। एंड लाइट वेट भी है बहुत। चलो अभी बातें बंद करके चलते हैं, टेम हो रहा है। एंड से हमने ये इसमें पूरा सेटअप कर दिया, अभी इसका व्हील भी घूम रहा है। पहले हमको पता ही नहीं था कि ये घूमता है करके, तो जब दूसरे जो क्लीनिंग करने के लिए आए थे उन्होंने बताया था, तो ये पूरा सेटअप कर दिया। उसकी वजह से ऑक्सीजन और बढ़ गया है। अभी एक्वेरियम में करीबन ये जो सबके नाम मैं आपको बाद में बताती हूँ कि बता दूँ, चलो बता देती हूँ। ये जो छोटे वाले हैं ये है डॉलर से उसका नाम। ये जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ये बहुत ही मैजिकल फिश है। एंड इसके इसका कलर चेंज होता रहता है। तो अभी ये डार्क कलर में ना आपको ब्लैक में दिख रही है, इसका मतलब उसको बहुत गुस्सा आ रहा है जब वो वैसे हो जाती है, तो एग्रेशन में उसका वैसा कलर हो जाता है। अदरवाइज़ वो एकदम, ये आपको जो उसका अंदर ऑरेंज दिख रहा है ना, एकदम जब कोयला जलाते तो कैसे रेडिशनेस दिखती है पूरी फिश, वैसे कलर में हो जाती है। अभिषेक नो कॉटो को। एंड ये जो वाइट वाली है, हाँ, एंड ये जो वाइट वाली है उसका नाम है गौरामी। एंड ये जो ब्लैक एंड वाइट है, एंड ये जो स्ट्राइप्स दिख रहे हैं वो है एंजल्स। एंड ये जो एग्रेशन वाली है जो कलर बदलती है उसका नाम है ऑस्कर्स। सो दीज आर द ब्रीड्स विच आर देयर इन आर एक्वेरियम। तो डॉलर जो है 10 है, ये जो वाइट गौरामी है 3 है, एक्चुअली 4 होनी चाहिए थी, आई मीन 4 डालने वाले थे लेकिन स्टॉक में 3 ही थी, तो एक जब आएगी तब ले लेंगे। एंजल्स 4 है एंड ऑस्कर्स 2 है। एंड लेट्स गो, चलो चलो। तो लग रहा है ना मेरा, फिर ऐसे नींद नींद नहीं आ रही है मुझे। तो दोनों जो है अंदर से आ रहे हैं, अभी बाहर आए थे फिर अंदर गए। आ चप्पल का दू मामा, चप्पल है इसको, मेरे चप्पल, हेलो मेरे चप्पल ही अम्मा। एंड आज का दिन बहुत अच्छा है बिकॉज़ क्योंकि हमारी एक विश थी मेरे और मेरे हस्बैंड की, मतलब इट्स नॉट अबाउट एनी परचेजिंग ऑफ एनी आइटम और समथिंग, वो नहीं था, कुछ और था जो मतलब मैक्सिमम हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो जब हो जाएगा तब मैं आपसे शेयर करूँगी। चलो जाते हैं।
सो देखिए मैं अभी अंडे वाले शिप में आ चुकी हूँ, मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया एंड लोकेशन में आ चुकी हूँ, यहाँ के वॉशरूम में हूँ मैं एक्चुअली। तो स्विमिंग में क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा था, थोड़े बेसिक्स आप बता दीजिए, इतनी जल्दी कैसे आ गया आपको एक्चुअली, ये कोई अपने मुँह मियाँ मिठू वाली बात नहीं है, लेकिन आई एम अ क्विक लर्नर, मेरे में वो जील रहता है कि अगर मैं किसी चीज़ की कोशिश कर रही हूँ तो मैं मुझे जल्दी से जल्दी आए चाहे कुछ भी हो। तो स्विमिंग में हम लोग बहुत सारे सनस्क्रीन लगाते हैं, बहुत कुछ लगाते हैं, बट मोर देन दैट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्री एंड पोस्ट बाथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीधा बाहर से आके सीधा पानी में घुस जाते हैं तो टैनिंग जो है ज़बरदस्त हो जाएगी, तो इसलिए प्री एंड पोस्ट बाथ लेना ज़रूरी है। चलिए अब मैं चलती हूँ करने के लिए। वो स्विमिंग ख़त्म एंड हमारे ख़त्म होते ही जो है फिर जेंट्स का जो टाइमिंग है वो शुरू हो जाता है। हमारे स्विमिंग करते टाइम पे किसी भी जेंट्स की एंट्री होती ही नहीं है उस एरिया में, ओनली कोच सर रहते हैं और कोई नहीं रहता है। एंड अभी नहा धो के चेंज कर चुके हैं एंड यहीं पे नहाने से जो है थोड़ी हिम्मत रहती है, घर जाने के बाद तो थोड़ी देर लेटने का मन करता है, कुछ करने का मन करता ही नहीं है। तो पहले मैं स्टार्टिंग के दिनों में लगता है ना जैसे कि घर पर जाके नहाएंगे रगड़ रगड़ के, दो दिन चलता है वो बस फिर ख़त्म, फिर लगता है यहीं पे ख़त्म करो सारे काम। चलिए चलते हैं। मैं आके बैठ चुके हैं यहाँ पे, पार्किंग बड़ी मुश्किल है, बिल्कुल जगह मिलती नहीं है यहाँ पे। अंदर जितना अच्छा क्लासी है ना ये स्विमिंग पूल, बाहर जो सराउंडिंग एरिया है वो पूरा स्लम टाइप है, छोटे छोटे मकान हाँ। तो अरे मेरे को प्याज लेने थे, प्याज ख़त्म हो गए, यहाँ पे प्याज की दुकानें हैं जो होलसेल में है, लेकिन अपने अपने कवर लाने पड़ते हैं, मैं भूल गई लाना था मुझे। तो सराउंडिंग एरिया बहुत ही कंजेस्टेड है, कार पार्किंग करने के लिए बहुत देर ढूंढना पड़ता है यहाँ पे। कार पार्किंग। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल के बाद फिर ब्लॉगिंग इतनी हो नहीं पाई क्योंकि काम में बिजी थी, अभी दोनों चैनल मैनेज करने पड़ रहे हैं। तेलुगु चैनल में भी मैं वीडियो डाल रही हूँ रेगुलरली एंड इसमें तो हूँ ही हूँ मैं रेगुलर, तो दोनों चैनल में डालने की वजह से मेरे को शूटिंग का टाइम कम एंड एडिटिंग का टाइम ज़्यादा लग रहा है। एंड कल स्विमिंग से आते टाइम पे मैं जो घर में मैंने मैट खरीदा था जैसे मैंने बताया था वो मैंने बदल दिया है और उससे बड़ा वाला मैट लिया है क्योंकि वो मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था। जब मैंने वो वाला मैट लिया था उन्होंने मुझे दोनों दिखाए थे, एक बड़ा एक छोटा वाला। तो मैसेज तो मैंने उनको बोला था कि अगर ये मुझे छोटा लगा तो मैं चेंज करूँगी करके, फिर उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया, फिर मैंने उस पर नेक्स्ट दिन कॉल किया तो मैंने बोला मैं बड़ा वाला ले लूँगी करके, तो वो बोलने लगे कि नहीं मैडम वो तो 7,000 का आएगा, 7,000 का आएगा। मैं वो 7,000 तो मैंने नहीं दूंगी क्योंकि जो पुराना दूसरा वाला मैट था इससे छोटा वाला वो मैंने 2,000 में लिया था, उन्होंने 5,000 बताया था, तो मैं बहुत बार्गेन कर लेती हूँ वैसे एंड करना भी चाहिए बिकॉज बहुत लोग होते ठग लेते, इसलिए बार्गेन करना भी चाहिए। तब एक्चुअल जो होता है ना लीस्ट बताओ और उसके बाद जो भी बढ़ना होगा जो भी होगा वो उसके हिसाब से। एक्चुअल तो मैंने तो उन्होंने 5,000 बोला, मैंने तो बोला 1,500 में दो करके, क्योंकि ये सारे माल जो है जब वो लोग राजस्थान से लेके आते हैं या जयपुर से या जो नॉर्थ उधर से लेके आते हैं वहाँ बहुत वैसे ही इसी रेट में मिलते हैं, बहुत और भी सस्ते में मिल जाते हैं। तो फिर मैंने उत्ते का बोला तो उन्होंने 2,000 में वो दिया था एंड जब मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया था उससे पहले बताया था 1,000 और दे दूँगी अगर वो छोटा लगा तो मैं बड़ा वाला ले लूँगी करके मैंने बोला। और जब मैंने फ़ोन किया बोलते नहीं मैडम मिनिमम तो 5,000 देना ही देना, मैं वो फिर रहने दो मैंने नहीं लेना करके। हाँ बेटा हाँ ये देखो छोड़ लेदा। तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने ऐसे मना कर दिया, बीच में ये आता है तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। तो उसके बाद फिर मैं बोला ठीक है नहीं देना तो भैया मत दो मैं इसी को रख लेती हूँ, जब आपने बोला था अभी नहीं मना कर रहे तो मैडम नहीं तो दो मिनिमम 5,000 तो देना ही पड़ेगा करके बोलने लगा। मैं बोला भैया फिर रखो अपने पास क्योंकि उनकी कमिटमेंट की वजह से ही तो मैं लेके गई थी। फिर उसके बाद जब मैंने बोला ठीक है रख लो, उसके बाद दो दिन के बाद उसने जो है फिर से कॉल किया और कॉल करके बोल रहा था मैडम ले लो करके। उसके बाद फिर मेरे को रोड पे जैसे साइड में लगाते हैं ये रोड साइड में, तो वहाँ पे बहुत दिन दिखे नहीं,
कल मुझे जब दिखे स्विमिंग से वापस आते टाइम, तब मैंने उनसे बात कर ली। तो फिर जब मैंने फिर बात करी तो बोलता नहीं मैडम आप मिनिमम 2000। तो मैं वो क्या चक्कर है भैया, कभी ऐसे बोलते हो वैसे करते हो, फिर आते तो ऐसे बोलते हो, रहन दो रखो अपने पास। तो बोलता ठीक है मैडम ले जाओ करके। तो ये मैट जो है पूरे हॉल को इसने कवर कर लिया है, और इतना बड़ा मैट 3000 का है एंड ऑनलाइन पे बहुत कॉस्टली ये वाला। मैंने चेकआउट किया हुआ इसलिए मैंने ऑनलाइन खरीदा नहीं इसको। तो दिखाती हूँ और आप मुझे बताना कि ये पहले वाले से अच्छा है या पहले वाला अच्छा था। मुझे तो यही अच्छा लगा इसका डिज़ाइन पहले वाले से भी, एंड उससे काफ़ी बड़ा भी है। लेट मी शो यू नाउ। तो देखो ये है डिज़ाइन, पहले यहाँ तक इतना कॉर्नर तक कवर नहीं किया था। आप चाहे तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा मैट वाला। तो अभी वाला अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो ये। वाइड एंगल में भी देखो तब आपको पता चलेगा इसका पूरा डिजाइन, एंड डिजाइन के ऊपर ये छोरा जो आगे पीछे घूमे जा रहा है। मैट बॉन्दा ओके। तो देखो अभी मेरे सोफे का सेटअप एंड सब कुछ मैच हो चुका है अलोंग विद दिस। अभी मुझे जो है एक अमेज़ॉन से मैंने बुक किया था। क्या जैसे कि आपको मालूम है जब मैं मम्मी लोगों के घर गई थी तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन करके आ गई थी, भाई की अलमारी की, मम्मी की, पापा की, सब कुछ कर दी थी। तो ये वाले बैग जो है मैंने यहाँ इनके लिए रखे थे क्योंकि वहाँ पे वो लोग ऑर्गेनाइज रख नहीं पाते, इसलिए वो बैग लिए थे। एंड मेरे मम्मी के घर जाके आने तक इन्होंने भी यहाँ की अलमारी का तो तहस नहस कर दिया था। तो मुझे लगा चलो ये वाले बैग जो है यहाँ पे भी मंगवा लेते हैं और इनकी शर्ट्स भी उसमें रख देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जो है सेग्रीगेट के करके रखती हूँ, हाफ हैंड्स अलग, फुल हैंड्स अलग, लेनिन कॉटन अलग, नॉर्मल कॉटन अलग, एंड ऐसे कैटेगराइज करके रखती हूँ ताकि जब इनको ओकेशन के हिसाब से जिस दिन कोई फॉर्मल मीटिंग हो गई उस दिन लेनिन कॉटन पहन लिया उसके हिसाब से, लेकिन ये उसके बाद मिक्स कर देते हैं। तो अब ये बैग्स में रखूँगी तो मिक्स नहीं होगा एंड सेपरेट रहेगा, और मुझे पसीना आ रहा है एंड आदित्य का स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा था क्योंकि मेरे को मैसेज तो बहुत पहले आ गया था कि आप रिसीव करने वाले हो, बट वो बंदा कभी काफ़ी लेट आया क्योंकि क्या होता है वो जिस एरिया में आ रहे होते हैं ना अगर उधर ज़्यादा पिकअप्स या ड्रॉप्स होते हैं जो भी उनके ज़्यादा होते हैं तब वो उसमें आते हैं, जल्दी आ जाते हैं, तो इसलिए मेरे को थोड़ा लेट आया, नहीं तो अभी तक तो अरेंज भी हो जाता। तो अभी पहले आदित्य आ जाए उसके बाद उसको थोड़ा खिला पिला दूँ, सब कुछ हो जाए उसके बाद में मैं अरेंज करूँगी। इस बीच अगर स्विमिंग का टाइम हो गया तब फिर ये पेंडिंग पड़ जाएगा। लेट मी सी व्हेन इट इज़ पॉसिबल एंड चलिए मिलते हैं फिर। ऐ तगली तो तड़ गए शिवा ओके फिट इसराइल। तो हर रोज़ जैसे ही आदित्य स्कूल से आता है अभिषेक जो है उसके जूते निकालता है, उसकी शर्ट निकालने की कोशिश करता है, मतलब सब कुछ निकाल नहीं पाता है बट हमेशा इंटरेस्टेड रहता है। सो दैट फील सो गुड कनेक्शन बिटवीन यू नो सिबलिंग्स, बहुत अच्छा लगता है देख के। एंड आदित्य को गुदगुदी आती रहती है, वो निकलवाता नहीं है फिर ठीक से। एंड इसके बाद जो है वो बूट्स रख के आए हैं दोनों एक एक जूता, एंड अभी उसकी शर्ट निकालने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे जहाँ पे मैंने एक और वीडियो शूट किया है जो आप लोगों ने अभी तक देख ही चुका होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने बताया था इसमें डिफरेंस बिटवीन मॉइस्चराइज़र एंड सीरम एंड हाउ टू यूज़ इट एंड व्हेन टू यूज़ इट, सो यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर वीडियो इफ़ यू नीड इट। हेलो एवरीवन, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं स्विमिंग से आ चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड भी हमारे आने के बाद में आए हैं,
बैठ के किसी से बात कर रहे हैं एंड कॉमेडी वाली सारी बातें कर रहे हैं, फ़ोन में भी बात कर रहे थे और साथ साथ उनको भी बता रहे थे कि मेरे को बता रहे करके ऐसे हंस रहे थे उस चीज़ को शेयर करके। और जस्ट जैसे ही हस्बैंड आए, अभी मैंने चाय बनाई है और मैंने पी चुकी है चाय, एंड जो कुछ दिन पहले मैंने डीमार्ट से चिकन सूप लिया था वो बनाया आदित्य के लिए, तो वो वहाँ ओए ओए तिरुपति रे बाबू तो वो वहाँ पे बैठ के उसका आनंद ले रहे हैं। हाँ हाँ, एंड आज जब स्विमिंग करी तो फुल बारिश हो रही थी, क्योंकि जब स्टार्ट करा था तब तो बारिश नहीं हो रही थी, बीच में स्टार्ट हुई इतनी जोर से बारिश जब होने लगी तो बारिश में स्विमिंग करने का भी खूब मज़ा आया। एंड आज एक और नई चीज़ सीखी मैंने, वो क्या, पानी में जो राउंड पलटी मारते हैं जैसे एक एंड पे पहुंच जाते हैं और फिर राउंड पलटी मार के फिर रिवर्स घूम लेते हैं, वैसे वाला वो सीखा। प्लस उसके अलावा पहले मैंने जब आपको अपडेट दिया था कि मैं 50 मिनट्स में जो है 16 राउंड्स लगा रही हूँ, अभी मैं 35 मिनट्स में 16 राउंड्स लगा रही हूँ, सो देयर इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। और भी इम्प्रूव होने की काफ़ी ज़रूरत है। सर तो बोल रहे थे कि हर लोग तो 20-30 मिनट्स में कर देते हैं, मेरे को अभी तो एक कहीं ये ना बोले कि 5 मिनट में ही लगा देने फिर तो हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि कल मैंने सोचा था कि मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी जो इनके कपड़े हैं, लेकिन जो पैकेज आया था वो तो मैंने अभी तक खोल के भी नहीं देखा क्योंकि टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल, बीच में मेरे को बाकी एडिटिंग वेडिटिंग करनी पड़ी उस चल के। आदित्य फ़ोन अस्त डैडी बेटे के चलो बेटे, तो वो खा के जो है कटोरा लेके आया, मम्मी खा लिया मैंने, ऐसे उसको देते रहो तो खूब अच्छे से खाएगा। लेकिन बाकी बच्चों को बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ें पसंद आती है ना, मतलब जो बाहर मिलने वाली चीज़ें होती हैं वही मैं घर में बनाऊँ ना तो बड़े अच्छे से खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच फ्राइड राइस तो बड़े अच्छे से खाते हैं, या ये सूप हो गया या कुछ भी, लेकिन दाल चावल सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वेरी गुड, वो तेलुगु में बोल रहा है नैनो सूप तागे सनो, उसने सूप पी लिया करके बोल रहा है, तो तेलुगु सीख लो आप लोग, है तेलुगु ब्लॉग भी आप फॉलो कर सकते हो समझ में आ जाएगा। तो अभी मैंने जो सीरम का वीडियो बनाया था वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, एंड उसके लिंक्स मैंने इस वाले वीडियो के नीचे भी दे रखे हैं ताकि आप लिंक्स पहले देख लो और आइटम चेक कर लो और वो कैसे यूज़ करना है क्या है उसके बारे में आप बाद में जाके भी वीडियो देख सकते हैं। एंड देखिए अभी मैंने फेस पे कुछ जस्ट वहाँ से स्विमिंग पूल पे वहाँ पे नहा के आई हूँ, एंड अभी सर में थोड़ा सीरम लगाना है, ये देखो थोड़े से रफ से दिख रहे हैं ना, तो सीरम लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, एंड फेस पे क्लास भी अच्छा ग्लो दिख रहा है ना। सो प्रॉपर केयर लेना बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन का, तभी वो चेंज आता है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके ब्लेमिशेस थे वो सारे चले गए हैं, थोड़े बहुत है आपको दिख रहा होगा ज़रा ज़रा सा, हाँ थैंक यू। तो सीरम्स लगाने की वजह से एंड प्रॉपर जो है स्किन केयर रूटीन करने की वजह से वो सारे ठीक हो रहे हैं अभी, एंड डार्क सर्कल्स भी थोड़े कम हो गए हैं, पहले बड़ी ज़्यादा थी। वो एक इंस्टाग्राम पर पता नहीं कोई कॉमेडी आती ना, जो चाइनीज़ लोग होते हैं उनकी आँखें इतनी छोटी होती है, जब वो आईलाइनर लगा रहे होते हैं तो उससे बड़ा अच्छा वाह वाह, और जैसी आँखें खुली वो पूरा ऊपर जाके ऐसे हो जाता है, तो देखो लाइक ऐसे ऐसे करने लगे, तो मुझे याद आया अभी वो जब मैं देख रही थी। हाँ हाँ कार स्टार्ट, ओके टिपू फोन गिरने वाला है हाथ में, तो वो कुछ कभी कभी ऐसी ऐसी कॉमेडी मुझे ना सोच, मैं अकेले बैठी रहती हूँ तो ही मुझे कॉमेडी याद आ जाती है एंड मैं अकेले हंसना शुरू कर देती हूँ। तो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो और कौन सा इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हुआ है जिसके आप बारे में आप सोच रहे हो खूब हंसे हो, तो वो शेयर करो ताकि मैं भी थोड़ा हंसूँ और जो मैंने बताया आपको भी हंसी आ रही है तो आप भी थोड़ा हंसो। तो ज़िंदगी का नाम ही है हंसते खेलते निकालो ज़िंदगी, किसी को किसी का बुरा करके या किसी को नेगेटिविटी दिखा के किसी के बारे में कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है ना। तो सुखी रहो और दूसरे को सुखी भवा बोलो तो आप तो सुखी रहोगे रहोगे। तो चलिए इसी बात पे आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो चिपकाना ना भूलिए प्लीज़, चिपका दीजिए यार, क्यों कंज्यूज ही करते हो, इतने सारे लोग देखते हो एक लाइक चिपकाने में क्या जाता है, इतने व्यूज़ आते हैं उसमें तो उसका 1% भी लाइक नहीं आता है, एक इतने व्यूज़ में 1%, 1000 लाइक्स 1500 लाइक भी बड़ी मुश्किल, 1000 तो मिनिमम ही आ रहा है, मतलब मैक्सिमम 1000 ही आएंगे, तो लाइक्स थोड़े बढ़ा दिया करो, क्या चला जाता है यार, फ्री तो है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।